गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैंने कल मैसेज में टेस्ट के लिए मैसेज किया था कि आपके 26 या 27 से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके मार्क्स जो है वो आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे। तो इसके लिए आपको मैंने लेसन नंबर 1 और 2 मैसेज किया था कि लेसन नंबर 1 और 2 में से अपने क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। लेसन नंबर 1 और 2 के पीछे के जो किताब के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस तो हैं लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आते हैं, इसलिए हमको वो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो चैप्टर के बीच बीच में से छांटने होंगे, जो मैंने आपको आज छांट करके दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप कॉपी में करेंगे ताकि आप टेस्ट में आंसर कर सकें। तो ये सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, इनका आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आप देखें और फिर उसके आधार पर ही आंसर लिखें। अब अगर ये क्वेश्चंस एबेस एदे में आते हैं यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तब तो आपको डायरेक्ट जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अति लघु में यानी एक या दो लाइनों में जिनका आंसर देना होता है बोर्ड के आधार पर, उन एक और दो लाइनों वाले क्वेश्चन के आधार पर अगर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको कैसे आंसर लिखना है, ये मैं दोनों तरीके आपको इसमें समझाऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय एक क्रिया है, तो व्यवसाय कौन सी क्रिया है, आर्थिक। अगर ऑप्शन में आ रहा है एबेस एदे में तो जहां आर्थिक लिखा हुआ है उसको टिक करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अति लघु के रूप में यानी वेरी शॉर्ट के रूप में पूछा जा रहा है तो आपको इसको पूरा आंसर बना करके लिखना है। कैसे लिखेंगे कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है, समझ आ गया। तो आपके बिजनेस इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी, कौन सी टाइप की एक्टिविटी है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत के व्यावसायिक मार्ग क्या कहलाते थे, यानी पुराने समय में जो भारत के व्यावसायिक मार्ग का मतलब जिनसे बिजनेस होता था, जिन मार्गों से व्यापार होता था, उन मार्गों को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर अपने चैप्टर में दे रखा है रेशमी राह। तो अगर ऑप्शनल में आ रहा है तो सीधे रेशमी राह लिखना है, लेकिन अगर वो अति लघु के रूप में है तो आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा, भारत के व्यापारिक मार्ग रेशमी राह कहलाते थे। ये आपको क्वेश्चन का आंसर बनाते समय सोचना होगा कि क्वेश्चन कौन से उसमें पूछा है, ऑप्शन में पूछा है तो खाली नाम, और अगर अति लघु है तो फिर पूरा बना करके भारत के व्यावसायिक मार्ग रेशमी राह कहलाते थे। इंग्लिश मीडियम में इंडियन बिजनेस रूट्स आर कॉल्ड, तो सिल्क रूट आपको आंसर देना है, और अगर आपको पूरे वेरी शॉर्ट के रूप में आपको इसका आंसर देना है तो इंडियाज बिजनेस रूट्स आर कॉल्ड सिल्क रूट, इस तरह से आपको आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत से मसालों के निर्यात के लिए प्रयुक्त मार्गों को क्या कहा जाता था, यानी जिन रास्तों से मसालों का निर्यात होता था उनको क्या कहते थे, तो इसके आंसर में आएगा मसाला मार्ग कहा जाता था। वही सिस्टम इसमें आपको इसको बना के लिखना है, भारत से मसालों के निर्यात के लिए प्रयुक्त मार्गों को मसाला मार्ग कहा जाता था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्पाइस रूट इसका आंसर है, आप इसको क्वेश्चन के आंसर को बना करके लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपके, सर्वप्रथम विनिमय के माध्यम के रूप में कौन सी मुद्रा काम में ली गई। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब करेंसी मार्केट में नहीं थी तो करेंसी से पहले जो था वो वस्तु विनिमय होता था, एक व्यक्ति अपनी अपने यहाँ जो चीज बनाता था या उत्पादित करता था उसको दूसरे व्यक्ति को देता था, और उसके बदले में जो वो नहीं बनाता था वो उसे ले लेता था। तो जब सबसे पहले विनिमय का मतलब लेन देन के रूप में, माध्यम के रूप में जो मुद्रा काम में ली गई वो कौन सी थी, तो आंसर आएगा धातु मुद्रा यानी आपके मेटल करेंसी, इसको भी क्वेश्चन को आंसर बनाकर लिखेंगे, सर्वप्रथम विनिमय के माध्यम के रूप में धातु मुद्रा काम में ली गई, ठीक है। आप भी इसको पूरे सेंटेंस बनाकर के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, व्यापारिक मध्यस्थ कौन होते हैं। व्यापारिक मध्यस्थ का मतलब होता है जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और जो वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, यानी वस्तुओं के उत्पादनकर्ता से जो प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन कर रहा है, वहां से वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक यानी कंज्यूमर तक कौन पहुंचा रहा है, तो
तो जो लोग पहुंचाते हैं वो व्यापारिक मध्यस्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आपके तीनों, तीन लोग होते हैं, कमीशन एजेंट भी होता है जो कमीशन के रूप में काम करता है, दलाल भी होते हैं जो दलाल की दलाली के रूप में काम करते हैं, और फुटकर व्यापारी जो हमारे अड़ोस पड़ोस में दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें, परचूने की दुकान या कपड़े की दुकान, ये तीनों लोग जो होते हैं ये व्यापारिक मध्यस्थ कहलाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आप बना करके लिखेंगे कि व्यापारिक मध्यस्थ, कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर व्यापारी जो होते हैं ये व्यापारिक मध्यस्थ कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आपके तीनों आ गए, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और रिटेलर। अब इसमें सिक्स क्वेश्चन है, घोड़ों और ऊन का निर्यात केंद्र था, यानी घोड़ों के और ऊन के निर्यात के लिए कौन सा केंद्र था, कहां से घोड़े और ऊन निर्यात किए जाते थे, तो आंसर है इसका पेशावर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे घोड़ों एवं ऊन का निर्यात केंद्र पेशावर था। ठीक है, आपके इंग्लिश मीडियम में भी इस तरीके से आंसर देना होगा। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाएं हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो अपन ने स्टार्टिंग में जब चार्ट बनाया था तो तीन आर्थिक क्रियाएं पढ़ी हैं। तीनों आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, व्यवसाय है, पेशा है और रोजगार है। पूरे विश्व में जो भी पैसा कमाने से संबंधित क्रियाएं की जा रही हैं उनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आपके भी बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस, ये तीनों चीजें क्या है आपके बिजनेस, ये आपके इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसाय करने के प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने के बदले उसको क्या मिल रहा है, तो आंसर आएगा लाभ यानी प्रॉफिट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस के रूप में कोई भी काम कर रहा है तो उसको जो अर्निंग हो रही है यानी उसकी जो इनकम हो रही है वो प्रॉफिट के रूप में हो रही है। तो ये मैंने आपको आज 8 क्वेश्चन जो थे अति लघुतरात्मक लेसन नंबर 1 और 2 में से आपको छांट करके दिए हैं। इनसे आगे के क्वेश्चन में और आपको अगले लेक्चर में दूंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी अति लघु प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि ये आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं, और जब भी पेपर आएगा आपका तो पेपर में अति लघु और लघु दोनों प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन के रूप में होंगे। इसलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है 9 से लेकर के और आगे क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, तो वो क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में दूंगी।